हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी, या फिर अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो भी, हमने इसमें कुछ अच्छे सेलेक्टिव क्वेश्चंस जो है उसे सेलेक्ट किए हैं जो कि आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके कमेंट सेक्शन में देना है। तो इंटरव्यू से रिलेटेड और भी क्वेश्चन एंड आंसर्स की जो सीरीज है वो मेरे चैनल पर है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर में। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा अंत तक। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज अ गियर बॉक्स एंड व्हाई इट इज यूज्ड। गियर बॉक्स क्या होता है और उसे किस लिए यूज किया जाता है? तो गियर बॉक्स इज अ मैकेनिकल डिवाइस। गियर बॉक्स एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है स्पीड को रिड्यूस करने के लिए और साथ में टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए, अगर हम इंडस्ट्रियल गियर बॉक्स की बात करें तब। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ एप्लीकेशंस में ऐसे गियर बॉक्स यूज किए जाते हैं जहां पर जो आपका आउटपुट आरपीएम है वो बढ़ जाता है और टॉर्क जो है वो कम हो जाता है। यानी कि दोनों जगह पर हम यूज कर सकते हैं गियर बॉक्स को, और ऑटोमोबाइल्स में इस टाइप के गियर बॉक्स ज़्यादा यूज होते हैं जहां पर स्पीड इंक्रीज होता है, आउटपुट आरपीएम इंक्रीज होता है, लेकिन टॉर्क जो है वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज गियर बॉक्स ब्रीदर। यानी गियर बॉक्स के ब्रीदर का क्या मतलब है, आप क्या समझते हैं, क्या होता है गियर बॉक्स का ब्रीदर? तो ब्रीदर एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है जिसको गियर बॉक्स में यूज किया जाता है, और ये गियर बॉक्स के टॉप में, उसके केसिंग के ऊपर में फिट होता है। इसका काम होता है वेंटिलेशन प्रोवाइड करना। गियर बॉक्स जब चलता है तो उसके अंदर का जो ल्यूब्रिकेंट है वो कंटिन्यूअस रनिंग कंडीशन में क्या होता है, हीट होता है। हीट होता है तो वहाँ वेपर जनरेट होता है और उसका प्रेशर जो है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ऐसे में जरूरी है कि गियर बॉक्स के अंदर एक वेंटिलेशन हो जहाँ से हॉट गैसेस जो हैं, हॉट वेपर बाहर जा सके और आपका ठंडा जो कूल एयर है वो अंदर आ सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके ऑयल सील डैमेज हो जाएंगे और ल्यूब्रिकेंट वहाँ से लीक कर जाएगा और गियर बॉक्स फेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज फंक्शन ऑफ ऑयल सील इन गियर बॉक्स। यानी कि गियर बॉक्स में ऑयल सील का क्या फंक्शन है? नाम से ही क्लियर है, ऑयल सील यानी कि इसका फंक्शन ये है कि ये गियर बॉक्स की ऑयल सील ऑयल को सील करके रखे, उसे लीकेज ना होने दे, और इसे इनपुट और आउटपुट शाफ्ट में प्रोवाइड किया जाता है शाफ्ट और केसिंग के बीच में, क्योंकि शाफ्ट जो है वो रोटेटिंग होता है लेकिन केसिंग फिक्स होता है। तो वहां पर के गैप को मेंटेन करके रखता है सील, ताकि अंदर का ल्यूब्रिकेंट बाहर ना जा सके। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मल्टी स्टेज गियर बॉक्स। मल्टी स्टेज गियर बॉक्स क्या होता है? ऐसे गियर बॉक्स जिसमें नंबर ऑफ इंटरमीडिएट गियर्स होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ गियर उसमें ज़्यादा होते हैं, और जिसके रिजल्ट से ये होता है कि बहुत ज़्यादा गियर रेशियो, हाई गियर रेशियो मिलता है हमको। ऐसे गियर बॉक्स का जो आउटपुट आरपीएम होता है वो बहुत कम होता है क्योंकि इनका गियर रेशियो ज़्यादा होता है, और इसीलिए ऐसे गियर बॉक्स को मल्टी स्टेज गियर बॉक्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्पीड रिडक्शन जो है एक स्टेज में ना हो करके एक, दो, दो से ज़्यादा, तीन, चार, पांच, ज़्यादा स्टेज में स्पीड का रिडक्शन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ गियर बॉक्स, सॉरी, विच टाइप ऑफ गियर्स आर यूज्ड इन मल्टी स्टेज गियर बॉक्सेस। मतलब कौन से टाइप के जो गियर हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है मल्टी स्टेज गियर बॉक्स में। तो जो हेलिकल गियर्स हैं, हेलिकल टाइप ऑफ गियर्स हैं, उनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है मल्टी स्टेज गियर बॉक्स में, चाहे वो कंपाउंड गियर बॉक्स हो, चाहे कोई सा भी गियर बॉक्स हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ प्लेनेटरी गियर बॉक्स। प्लेनेटरी गियर बॉक्स को किस किस और नाम से जाना जाता है? तो प्लेनेटरी गियर बॉक्स को ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन गियर बॉक्स भी कहा जाता है, और इसे ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन्स भी कह सकते हैं उसके अंदर के अरेंजमेंट को। नेक्स्ट है आपका, इन प्लेनेटरी गियर बॉक्स वेयर आउटर रिंग गियर इज फिक्स्ड व्हाट हैपन। अगर किसी प्लेनेटरी गियर बॉक्स में उसके आउटर रिंग
जो आउटर रिंग होता है गियर बॉक्स का, जिसमें इंटरनल टीथ होते हैं, उसको अगर फिक्स कर दिया जाता है तो क्या होगा? तो इसका रिजल्ट ये होगा कि जो आउटपुट हमको मिलेगा वो बहुत ही लो आरपीएम में मिलेगा, और इस टाइप के गियर बॉक्स को इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, यानी कि लो आरपीएम आउटपुट देगा, गियर रेशियो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन वॉर्म एंड व्हील गियर बॉक्स इनपुट शाफ्ट नॉन ड्राइव साइड व्हाई फैन इज फिटेड। तो वॉर्म एंड व्हील गियर बॉक्स में इनपुट शाफ्ट में, जो कि नॉन ड्राइव साइड में, मोटर जिधर लगता है उसके अपोजिट साइड में फैन लगा होता है, उसका क्या काम होता है? तो वो जो है वो कूलिंग पर्पस के लिए लगाया जाता है, फैन कूलिंग का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपेंस इफ सन गियर ऑफ अ प्लेनेटरी गियर बॉक्स इज कीप्ड फिक्स्ड व्हाइल प्लेनेट गियर्स एंड आउटर रिंग आर रोटेटिंग। ऐसा प्लेनेटरी गियर बॉक्स में अगर सन गियर को फिक्स कर दिया जाता है जो कि सेंटर में है, और प्लेनेटरी गियर और उसके सन रिंग गियर को अलाउ किया जाता है कि वो घूम सके, तो ऐसे में क्या होता है? तो ऐसे इसका रिजल्ट ये होता है कि हाई आरपीएम आउटपुट मिलता है हमको, और इस टाइप के गियर बॉक्स को ऑटोमोबाइल्स में यूज किया जाता है जहां ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज वेल्डिंग? सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि आखिर वेल्डिंग क्या होता है। तो वेल्डिंग एक ऐसा ऑपरेशन है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक मेटल पार्ट्स को आपस में जोड़ा जाता है, और उसके लिए या तो हीट का प्रयोग किया जाता है या फिर प्रेशर का। हीट यानी कि होता है उष्मा, और प्रेशर यानी कि होता है दाब, या फिर इन दोनों का इस्तेमाल करके दो या दो से अधिक मेटल पार्ट्स को आपस में जोड़ा जाता है, और इसे ही कहा जाता है वेल्डिंग। वेल्डिंग हमको परमानेंट ज्वाइंट प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग पोजीशन। आपको वेल्डिंग पोजीशंस के बारे में बताना है। अगर आप वेल्डर हैं तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए। तो वेल्डिंग पोजीशंस चार होते हैं, फ्लैट पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन, ओवरहेड पोजीशन और हॉरिजॉन्टल पोजीशन। आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर सबके ऊपर में लिखा हुआ है। सबसे फर्स्ट वाला जो डायग्राम है आपका वो फ्लैट पोजीशन का है, सेकेंड आपका है हॉरिजॉन्टल पोजीशन का, थर्ड वर्टिकल का है, और फोर्थ जो है वो ओवरहेड पोजीशन का इमेज है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट। आपको वेल्डिंग जॉइंट्स के टाइप्स के बारे में बताना है। तो वेल्डिंग जॉइंट्स कुछ इस तरह के होते हैं। पहला है बट जॉइंट, दूसरा है लैप जॉइंट, तीसरा है कॉर्नर जॉइंट, चौथा है एज जॉइंट, जबकि पांचवा है टी जॉइंट। तो ये पांच प्रकार के जो होते हैं वेल्डिंग जॉइंट्स होते हैं, आप यहाँ पर डायग्राम में आराम से देख करके समझ सकते हैं। पहला वाला जो है वो बट जॉइंट है, जिसमें दोनों के बीच में वेल्डिंग हुआ है, और बाकी सब भी आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर टाइप्स ऑफ फ्लेम एंड इट्स नेम इन गैस वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग के बारे में मैंने अच्छे से वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम गैस वेल्डिंग के फ्लेम्स के टाइप और उसके नेम के बारे में जानेंगे। तो तीन टाइप के फ्लेम्स बनते हैं इसमें, न्यूट्रल फ्लेम होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है, और तीसरा होता है कार्बोराइजिंग फ्लेम। तीनों टाइप्स के जो फ्लेम है अलग अलग मेटल के हिसाब से यूज कर किया जाता है, यानी कि कौन से मेटल के वेल्डिंग के लिए कौन सा फ्लेम यूज किया जाता है ये डिफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग डिफेक्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि वेल्डिंग में क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं, तो आपको आंसर देना है, और ये आंसर है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहला वाला तो जो है वो परफेक्ट वेल्डिंग का है, बाकी सारे डिफेक्ट्स हैं। क्रैक्स जो है, पोरोसिटी, अंडरकट, स्लैग इंक्लूजन, स्पैटर्स, इनकम्प्लीट फ्यूजन, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, ओवरलैप, ये सारे जो है वेल्डिंग के डिफेक्ट्स हैं। यानी कि वेल्डिंग में ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इसके लिए अच्छे से एक अलग वीडियो मैंने बना रखी है, आप चाहें तो देख सकते हैं चैनल पर। व्हाट फर्स्ट टू डिजिट ऑफ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड नंबर इंडिकेट। यानी कि वेल्डिंग इलेक्ट्रोड में जो पहले के दो डिजिट होते हैं, जैसे 6013 है, तो शुरुआत का 60, या फिर यहाँ पर 7018 है, तो शुरुआत का 70 क्या इंडिकेट करता है? तो ये इंडिकेट करता है मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, और वो होता है, उसकी यूनिट होती है किलो पॉन्ड पर स्क्वायर इंच। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में
वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के नंबर के बारे में, उसके कोडिंग की मीनिंग के बारे में मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, 5 मिनट का है, आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं, यहाँ ऊपर में आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करेंगे तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और ये आपको मालूम होना बिल्कुल ही जरूरी है, अगर आप एक वेल्डिंग इंजीनियर हैं या फिर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं तब भी आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, वॉट सेकेंड लास्ट डिजिट ऑफ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड नंबर इंडिकेट। जैसे कि वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का नंबर है, एग्जाम्पल लेते हैं 7018, तो सेकेंड लास्ट डिजिट क्या हुआ यहाँ पर, 1 हुआ। तो 1 क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पर 1 भी हो सकता है किसी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड में, 2, 3, 4 सब हो सकता है, ये उसी वीडियो में है मेरे, मैंने जो आपको बताया। यहाँ पर सेकेंड लास्ट डिजिट का मतलब ये होता है कि वो बताता है कि कौन से वेल्डिंग पोजिशन में इस इलेक्ट्रोड को यूज किया जा सकता है। तो सेकेंड लास्ट डिजिट इंडिकेट करता है वेल्डिंग पोजिशन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है Why flux is used in arc welding? Arc welding में flux का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो आपने देखा होगा welding electrode के ऊपर में एक chemical compound की coating रहती है जिसको आसानी से झड़ाया जा सकता है, वही होता है flux। flux का काम होता है कि welding के दौरान वो एक gas की shielding provide करता है, साथ में खुद भी melt होकर के molten matter के ऊपर में flow करने लग जाता है, और मोल्टन मैटर को डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आने देता है, जिसकी वजह से वहां पर ऑक्सीडाइजिंग नहीं हो पाता मेटल का, और मेटल जो है वेल्डिंग जो है वो आपकी अच्छी मिलती है, स्ट्रेंथ अच्छा रहता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू रिमूव वेल्डिंग डिफेक्ट्स विच प्रोसेस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, यानी कि वेल्डिंग डिफेक्ट्स को हटाने के लिए कौन से प्रोसेस को ज्यादातर यूज किया जाता है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से वेल्डिंग में डिफेक्ट्स जो है वो कम होते हैं। तो आपको वर्क पीस को पहले से हीटिंग करना है, प्री हीटिंग ऑफ वर्क पीस। अगर वर्क पीस को हम पहले से हीट करेंगे, प्री हीट करेंगे, तो आपका जो वेल्डिंग डिफेक्ट्स हैं उसके आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमेबल वेल्डिंग इलेक्ट्रोड एंड नॉन कंज्यूमेबल वेल्डिंग इलेक्ट्रोड। तो कंज्यूमेबल वेल्डिंग इलेक्ट्रोड और नॉन कंज्यूमेबल वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमेबल वेल्डिंग इलेक्ट्रोड की। कंज्यूमेबल वेल्डिंग इलेक्ट्रोड यानी ऐसे वेल्डिंग इलेक्ट्रोड जो खुद आर्क प्रोड्यूस भी करते हैं, यानी हीट प्रोड्यूस करेंगे, और साथ में खुद मेल्ट होते जाते हैं, यानी कि वर्क पीस को फिल करते जाते हैं अपने मेटल से, उन्हें कहा जाता है कंज्यूमेबल, यानी कि वो कंज्यूम हो रहे हैं, वो खुद भी खत्म हो रहे हैं। दूसरा होता है नॉन कंज्यूमेबल, ऐसे इलेक्ट्रोड हीट प्रोड्यूस करते हैं लेकिन मेल्ट नहीं होते, ऐसे वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के साथ में फिलर रॉड यूज किया जाता है। एग्जांपल टीआईजी वेल्डिंग जो है वो नॉन कंज्यूमेबल वेल्डिंग इलेक्ट्रोड यूज होता है टीआईजी वेल्डिंग में, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वेल्डिंग पोजिशन इज ऑल्सो कॉल्ड डाउन हैंड वेल्डिंग। तो कौन से वेल्डिंग पोजिशन को डाउन हैंड वेल्डिंग पोजिशन भी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है फ्लैट पोजीशन वेल्डिंग को। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लैट पोजीशन वेल्डिंग का डायग्राम दिया गया है। ऐसे वेल्डिंग को करने के लिए आपको हाथ के हैंड के नीचे में वेल्डिंग करना पड़ता है, इसीलिए इसे डाउन हैंड वेल्डिंग भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी काफी बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख लिए हैं तो आप बिल्कुल इसका आंसर दे पाएंगे। विच वेल्डिंग इज कॉल्ड डाउन हैंड वेल्डिंग? फ्लैट पोजीशन वेल्डिंग को डाउन हैंड वेल्डिंग कहा जाता है। For welding cast iron and low carbon steel, which gas welding, which flame is used? मतलब कि cast iron और low carbon steel को welding करने के लिए gas welding से कौन से flame का use किया जाएगा? मैंने बताया था तीन type के flame होते हैं, oxidizing, carburizing और एक होता है neutral flame। तो यहाँ पर neutral flame का use किया जाएगा cast iron और low carbon steel को welding करने के लिए। तो ये यहाँ question clear हो गया आपको। नेक्स्ट है आपका, फॉर वेल्डिंग लो टू मीडियम कार्बन स्टील विच वेल्डिंग इलेक्ट्रोड इज यूज्ड। ये इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम। वेल्डिंग करने के लिए लो और मीडियम कार्बन स्टील का अगर वर्क पीस है, उसको वेल्डिंग करने के लिए हम कौन से वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करेंगे? तो हम इस्तेमाल करेंगे E6010 का, और साथ में कर सकते हैं E6013 का। सबसे ज्यादा यूज होने वाला वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स है E6013, जिसको नॉर्मल वेल्डिंग इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वेल्डिंग इलेक्ट्रोड इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग हाई कार्बन स्टील? हाई कार्बन स्टील को वेल्डिंग करने के लिए कौन से वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है? तो हाई कार्बन स्टील को वेल्डिंग करने के लिए E7018 वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को यूज किया जाता है। इसकी खासियत ये भी है कि यहाँ पर सेकेंड लास्ट डिजिट जो है वो वन है। वन का मतलब होता है ऑल पोजिशन वेल्डिंग रॉड। इस वेल्डिंग इलेक्ट्रोड से हर पोजिशन में वेल्डिंग किया जा सकता है, ओवरहेड, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, फ्लैट, सब में। अब क्वेश्चन आपके लिए है, इस वीडियो में मैंने कहा था कि अंत में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। गियर बॉक्स हैविंग गियर रेशियो 40:1, इफ इट्स इनपुट शाफ्ट रोटेट 1000 RPM, व्हाट इज आउटपुट RPM? तो एक गियर बॉक्स है आपके पास जिसका रेशियो है 40:1 और उसका इनपुट शाफ्ट जो है वो 1000 RPM में घूम रहा है, तो आपको आउटपुट शाफ्ट का RPM बताना है। तो दोस्तों जरूर बताइएगा कमेंट कर करके इस वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा और एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। आप सब वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहता हूँ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।